अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी टोमेटो पास्ता की रेसिपी। इट्स वेरी इजी टू मेक, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें हम यूज करेंगे 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है, हाफ कप ऑलिव ऑयल, 2 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर, 2/3 कप टोमेटो पेस्ट, 1 कप क्रीम, 3 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टी स्पून मिक्सड हर्ब्स, 1 टी स्पून ऑरिगेनो, 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे इसमें, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। और मैंने लिया था 1 कप पास्ता वाटर, जिसमें हमने पास्ता को बॉईल किया था, ड्रेन करते हुए मैंने 1 कप इस तरह से निकाल लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और पास्ता मैंने लिया था एक पैक, जो कि अराउंड 500 ग्राम्स की इक्वल होता है। मैं पेन्ने पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी फॉर्म का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंस हमारा भी पास्ता वाटर काफ़ी वार्म है, तो मैं इनिशियली जो है चिकन क्यूब को इसमें ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। अब हम पास्ता प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं एक वॉक में ऐड कर दूंगी ऑलिव ऑयल, साथ ही इसमें चला जाएगा बटर, और हम इसको हीट अप होने देंगे अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप गार्लिक, और इसको हम 15-20 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे, जब तक कि फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता। गार्लिक सॉटे हो गया है, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम हाई के ऊपर रखी है। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमेटो पेस्ट, और इसको हम फर्दर 3-4 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, जब तक चिकन भी अंदर से प्रॉपरली कुक हो जाएगा और हमारे टमेटो पेस्ट की जो एसिडिटी है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। थ्री टू फोर मिनट्स हो गए हैं टोमेटो पेस्ट को कुक डाउन होते हुए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पेपरिका, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगानो और ब्लैक पेपर, तो अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। हमें टोमेटो पेस्ट का कलर, क्योंकि ब्राइट रेड था, हमने इसको थोड़ा डार्क रेड ब्राउनिश सा करना है। उसके बाद हम इसमें अपना पास्ता वाटर, जिसमें हमने स्टॉक डाला था, वो इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता वाटर और चिकन स्टॉक, जिसमें हमने डाला था। अब हम इसे फर्दर 2-3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, जब तक इसका वाटर थोड़ा सा इवेपोरेट नहीं हो जाता। फ्लेम को कर दिया है मीडियम लो पे, और इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम, और इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड से अब थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा। क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसे सिर्फ 15-20 सेकेंड्स के लिए सिमर होने देना है, उसके बाद हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा और कम कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इन द पास्ता। और इसको अब मिक्स कर लेंगे। पास्ता बहुत क्रीमी बनता है। पास्ता हमारा रेडी हो गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। ऐसे वॉक में रहने दूंगी फॉर अबाउट 15-20 सेकेंड्स, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, एंड देन वी सर्व इट। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। इट इजिली सर्व्स अबाउट 7-8 पीपल। And it's also budget friendly. I hope आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी और आप ट्राई करेंगे, अपने फीडबैक भी देंगे। I'll be meeting you guys in another video. Allah Hafiz.